करनी है, पूरा गदर मचा हुआ है। देखिए लोगों का प्यार है, गदर क्या है, पूरे भारत का इमोशन है, पूरे हर हिंदुस्तानी का इमोशन है, तो वो इमोशन दिख रहा है। पिछले 3 दिन से नहीं, जिस दिन से हमने गदर सोची या जिस दिन से हमने गदर बनाई या जिस दिन से ये विचार भी मन में आया, गदर गदर का विचार भी मन में इसलिए है कि पब्लिक चाहती थी, तब से गदर मचा ही हुआ है, वो गदर आज दिख रहा है। और आज तीसरा दिन है, देखो बस मैं गदगद हो चुका हूँ लोगों के इस प्यार से, और बस ईश्वर करे ऐसे ही मैं लोगों को प्यार देता रहूँ। और जीते ये मनीष बाधवा जी और ये सिमरत जी, ये बस ये हमारे रोहित बाबू। सर बाप की जो ये भाई ये पूंजी है बेटा होता है, आज सामने आपके है, एक कितना प्राउड हो रहा है आपको इस चीज को लेकर? या आई एम फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज क्या है कि जो पुत्र होता है वो पिता के आगे का जीवन होता है। अगर उस अच्छे संस्कार दिए हो बच्चों को, अच्छा बच्चा हो तो पिता का जीवन आगे का अच्छा हो जाता है, और हर पिता यही चाहता है। दोनों बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों बहुत बढ़िया हैं, सिमरत भी बहुत अच्छी है, शी इज़ टू गुड एंड बहुत अच्छे संस्कारी घर से लड़की है, और उसके अंदर एक ऑनेस्टी है उसके चेहरे पर जिसकी वजह से वो लोगों को कनेक्ट करती है। पहली बार 20 साल के बाद दोबारा ब्लैक सुनने में आया, ब्लैक क्या होता है, टिकट ब्लैक का गदर ने पूरे गदर मचा दिया है। अच्छा है ना, पब्लिक लुत्फ ले रही है, आनंद ले रही है, बड़ी अच्छी बात है। हमने भी बड़ी टिकटें ब्लैक में ली है, तो ये बात हमारे लिए टन कोई नई नहीं है, तो अच्छा है, एक्साइटमेंट होता है तो ऐसे ही होता है। आप आइए, आप आइए, आइए मनीष, कमल जी को ही बुला लो। चलिए कमल जी, चलो भाई सुनिक सर थोड़ी सी बात निकल रहा है, एक सेकंड। पाकिस्तान भले इंडिया को कुछ भी कहे, टेररिज्म को भड़काए, लेकिन हिंदुस्तान की फिल्में छुप छुप के देखी जाती है। गाने के लॉन्चिंग में आपने कहा था कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स हमें पाकिस्तान से आ रहा है रिलीज होने से पहले, क्या ये पाकिस्तान में रिलीज करने का है अगर अभी हालात सही हो जाते? नहीं, अगर हालात सही हो तो देखिए पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं, तो बुरे तो है नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, और इंसान तो सभी जगह अच्छा होता है, हमारे जैसे ही हैं। हमने तो डायलॉग भी रखा है कि भाई सब हमारे जैसे ही हैं, बोलता भी है, कोई फ़र्क नहीं है, शक्लें सब चूटे एक सी हैं। वहाँ का आम आदमी ट्विटर पे देखो, यूट्यूब पे देखो, गदर की इतनी तारीफें किए जा रहा है, गदर के टेलर, गदर की टीजर, और वो कहते हैं क्या फिल्म है, वहाँ सिनेमा है, वो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हालात ठीक हो और वहाँ रिलीज़ हो तो बिल्कुल गदर वहाँ पाकिस्तान में रिलीज़ करना चाहेंगे। लेकिन मेरा ऐसा तजुर्बा है, पिछली गदर भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिट हुई थी, रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन हर पाकिस्तानी ने देखी, लंदन में देखी, इधर उधर देखी, दुबई में देखी, और ये भी गदर पाकिस्तान में बहुत बड़ी हिट होगी। क्योंकि देखिए क्या है कि आदमी कहीं भी ख़राब हो सकता है, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, लंदन में भी, अमेरिका में भी, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के विरोध में फिल्म है, ना कि किसी देश के विरोध में फिल्म है। व्यक्ति विशेष कोई भी कहीं भी गड़बड़ हो सकता है, और इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, या क्रिश्चियनिटी हो, या सिखिज्म हो, कोई भी धर्म हो, मज़हब तो मज़हब ही है, और मज़हब से प्रेम ही सिखाता है, यही बात इस फिल्म में कही गई है। एक संदेशा है जो इस फिल्म से निकल के बाहर आ रहा है कि जो पब्लिक को बहुत अभिभूत कर रहा है कि आपने अगर अपने रसूल की बात मानी होती तो गज़बा हिंद नहीं, जज्बा हिंद की बात करते। ये जो बात है लोगों के दिल में उतर गई है, यही बात। क्योंकि कब हम किससे जज्बा हिंद की बातें करते, किससे लड़ना है भाई, क्यों लड़ना है? जज्बे की बात करो ना कि हमें जज्बात रखते हैं, तो उसमें बात बनती है। तो यही बात हमने इस फिल्म से कहने की कोशिश की है। एंड विच पीपल इज लविंग इन दुनिया में नहीं हमारे साथ, बहुत मिस कर रहा हूँ अमरीश जी, बख्शी साहब और विवेक शौक। ओहो, मैं आपको बता नहीं सकता, काश वो लोग होते। वाक्य इतने ज़्यादा उत्कर्ष का, उनके बड़े वाक्य होते थे। उत्कर्ष छोटा था, 5 साल का था, और अमरीश जी के साथ रिडल खेलता रहता था, और अमरीश जी तो परेशान हो जाते थे, आजू में अरे अरे यार ये मुझसे क्या क्या सवाल करता है, फिर थोड़ी देर के बाद आते थे, अरे यार उत्कर्ष दिख नहीं रहा, किधर है, भेजो मेरे पास। फिर उत्कर्ष बाबू बैठ जाते थे उनकी गोदी में, फिर 3-4 सवाल कर देते थे, फिर वो बोले यार ये क्या कहाँ से ले आता है सवाल, फिर बुलाते थे।
तो ऐसा उनका बड़ा एक बड़ा प्यारा रिलेशन, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब अच्छे मतलब मैं क्या बताऊँ कितने अच्छे इंसान थे। मतलब दिल उनका दिल ही था उनके पास, शायद और कोई दूसरा जज्बा था ही नहीं उनके पास, इतना कह सकते हो, इतने अच्छे इंसान थे। वो मिले नहीं कैसे करते थे समझ नहीं आता। उसके साथ क्या कहना है एक लाइन में? जी अमरीश जी लेजेंड है हमारे सिनेमा के, एंड वो उनके जैसा ना यहाँ पे कोई दूसरा कभी आएगा और ना कहीं दुनिया में कोई वैसा आएगा। सो आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिला बचपन में ही सही, बट आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं गदर सबके सहयोग से बनी है फिल्म, इसमें हर छोटे बड़े सबका सहयोग रहा है और सबसे ज़्यादा सहयोग की पब्लिक ने इसको अप्रिशिएट किया है। और मैंने ऐसे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर सब मैंने देखा कि 21 साल पहले भी राउंड द क्लॉक शो चले हैं और ये फिल्म वापस राउंड द क्लॉक शो में चलेगी, तो ये एक पब्लिक का कमिटमेंट है जिसको हम बहुत अप्रिशिएट। राउंड द क्लॉक मतलब कोई पिक्चर मेरे ख्याल में 21 साल में कोई पिक्चर राउंड द क्लॉक नहीं चले। लेकिन सर बड़े चैलेंजिंग था, एक तरफ अक्षय कुमार की फिल्म है, एक तरफ ये है। देखिए आज